वोल्टास, वर्लपूल और सिम्फनी, सिम्फनी में सबसे ज्यादा वैल्यू है, याद रखिए वोल्टास ऑल टाइम हाई पे है, वर्लपूल ऑल टाइम हाई पे है, और सिम्फनी का ऑल टाइम हाई जो है वो याद रखिए 2122 रुपए का है, और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सीवाई 18 का मिड और पूरा का पूरा सीवाई 19 इसने कंसोलिडेशन में गुजार दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सिम्फनी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। इस बीच अगर आप देखें बायोकॉन इस पर अभी ले लें और गर्मियों के सीजन में मजे करें। जी बिल्कुल, वो होता है ना ऑफ सीजन डिस्काउंट टाइप। सही कह रहे हैं। तो ये स्टॉक में भी ऑफ सीजन डिस्काउंट ही होता है कि आपको सर्दियों में गर्मियों की चीज सस्ती मिलती है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा होता है। तो वोल्टास नतीजे उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन बावजूद उसके मैं समझता हूँ कि अपसाइड बहुत अच्छा जमता है, क्योंकि कंज्यूमर आइटम्स में जिस तरीके की डिमांड आगे आने वाले दिनों में मान के चल रहे हैं बढ़ेगी, इकोनॉमी इतनी खराब होने के बाद जो टर्न अराउंड होने की उम्मीदें बन रही हैं, जीडीपी के आंकड़े जिस तरीके के प्रोजेक्ट किए गए हैं पिछले दिनों बजट में, मुझे लगता है कि सारे ही कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स में दिखेगा, और उसमें वोल्टास हो, सिम्फनी हो, वर्लपूल हो, ऐसे स्टॉक्स में एक अच्छी अपसाइड देखी जा सकती है। कल हमने देखा था वर्लपूल में अच्छी अपसाइड आते हुए, आज वोल्टास खराब नंबर के बावजूद चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर इसमें रखना चाहिए, और जैसे किरण जी बता रहे थे कि जब गर्मियों का सीजन आएगा तो उस टाइम पे यह कम से कम मौजूदा स्तर से 15% 20% की अपसाइड देखी जा सकती है। तो बिल्कुल किसी को अगर 6 महीने की टाइम होराइजन है तो बिल्कुल एक्युमुलेट किया जा सकता है। तो देखिए